अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 28 जुलाई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, 28 जुलाई 2024 आवेदन की स्थिति को देखेंगे। तो इस वीडियो में आप लोग के जितने भी कमेंट्स थे इससे पहले वाली वीडियोस में, सारे कमेंट्स का आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के एक पार्ट टू भी मिलेगा, अगर आपका कमेंट का आंसर इस वीडियो में ना हो पाए तो उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे कहते हैं सर वीडियो रिपीट हो जाती है, तो उसको ध्यान रखेंगे। शिक्षकों की भर्ती में भारी डीएलएड वालों का विरोध हो रहा है। भर्ती में बड़ी संख्या में यूपी से डीएलएड करने वाले शामिल हो गए। जी हाँ दोस्तों, देहरादून से बड़ी अपडेट आ रही है, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। मामला क्या सामने निकल कर आ रहा है उसको देखेंगे। एक और बात, मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो 20,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दें। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि आजकल धांधली के लिए ऑनलाइन भैया सीधे कॉल आ रही है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे, कहाँ से ये डाटा लीक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या होता है, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये डाटा लीक कहाँ से हो रहा है, आप लोग का जो पर्सनल मोबाइल नंबर है वो मिल कहाँ से रहा है इनको, ताकि ये आपके पास कॉल कर पाए। तो देख सकते हैं सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। डीएलएड बीटीसी एडमिशन आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछा गया था। तो अब तक लगभग 1600 बच्चों ने अपना वोट किया है, ठीक है। 1000 से ज़्यादा बच्चे अगर वोट करते हैं तो बढ़िया होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 235 से ज़्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 45% है। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए, है आप लोग को लग रहा होगा, बहुत से यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे होंगे कि कम से कम नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हकीकत क्या है, अब ये देखिए आपके सामने, ये 45% मात्र 10,600 सीटें लगभग हैं यूपी में सरकारी। लगभग मान के चलिए 3 से 4 लाख आवेदन होगा, ठीक है, और उसमें इतनी बड़ी संख्या ये है। तो देखेंगे पूरी अपडेट, अभी आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि 28 जुलाई तक अभी तक आवेदन की स्थिति क्या है, क्या इस साल 2024 में डीएलएड में आवेदन नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो क्या आप बीएड कर सकते हैं या पोस्ट पीजी के लिए जाएंगे, ठीक है। आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा ना, डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है। बच्चों के मन में एक और सवाल है कि सर अगर सरकारी सीट्स के लिए इस साल एडमिशन नहीं होता तो क्या हम प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। देखिए, जो हमारा डीएलएड में एडमिशन होता है ये कौन कराता है ये भी जानिए पहले। पीएनपी कराती है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, ठीक है। तो चलिए पहले आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। एससी कैटेगरी से 230 नंबर बन रहा है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। जी हाँ, हमने आपको पहले बता रखा है 220 से लेकर 230 ये नंबर अगर आपके पास आ रहा है तो सरकारी कॉलेज के आप हकदार हो जाएंगे। क्या फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है, अभी तक तो नहीं, जब तक हम इस वीडियो को बना रहे तब तक तो नहीं। सर डेट कब आएगा, और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लगातार चेक करेंगे कि अगर स्टार्ट हो गया वो आवेदन तो आप आवेदन करेंगे भाई। डेट कब आएगा, वेट कर लीजिए, थोड़ा सब्र करिए भाई। फॉर्म आ गया क्या, अभी नहीं, वेट करना। 1 अगस्त से होगा क्या, देखिए दोस्तों बच्चे अलग अलग जगह से सोर्सेज से अपनी अपडेट लाते हैं, खबर लाते हैं। हो सकता है किसी बच्चे ने यूट्यूब चैनल पर कहीं और पढ़ लिया हो या गूगल पर देख लिया हो न्यूज। सर फॉर्म कब तक आएगा डीएलएड का, अभी आपको वेट करना है। देखिए लास्ट डेट हमने आपको बता रखी है 31 अगस्त। ये डेट हमने आपके सामने क्यों रखी है, क्योंकि पिछले साल जब 2023 में आवेदन की प्रक्रिया हुई थी तो 31 अगस्त को अंतिम डेट रखा गया था। सर कब आएगा, वेट करना है अभी। सर बीटीसी का फॉर्म कब तक आएगा, अभी सब रखना है। सर मेरा हाई स्कूल में 74, 12वीं में 73 और ग्रेजुएशन में 65% है, ओबीसी से डायरेक्ट कॉलेज मिल जाएगा क्या। नहीं, बहुत ही मुश्किल रहने वाला, आपको प्राइवेट ही सही रहेगा। अगला सवाल देखिए, सर ग्रेजुएशन की जैसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बीटीसी भी, सर बीटीसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए ग्रेजुएशन को तो हमें नहीं पता आपने कैसे भरा होगा, लेकिन जब आप बीटीसी में एडमिशन लेने आते हैं डीएलएड में ना, तो ऑनलाइन पहले इसका फॉर्म आता है, आवेदन करेंगे, उसके बाद मेरिट के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन होगा प्राइवेट या सरकारी कॉलेज। याद रखिए, प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन, जब तक पीएनपी की तरफ से नोटिस नहीं आता तब तक आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सर बीए का थर्ड ईयर का मेरा रिजल्ट नहीं आया तो कैसे फॉर्म फिल करेंगे। नहीं, रिजल्ट जरूरी है, बिना रिजल्ट के आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। सर रिप्लाई प्लीज, क्वेश्चन कहाँ गया आपका, इस बार नहीं आएगा लग रहा है। चलिए वेट करते हैं, अगर आता है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात ही नहीं। यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म आएगा भी या नहीं, प्लीज टेल मी सर। तो हमने आपको पहले बता रखा है कि हम लोग कब तक वेट कर सकते हैं, 31 अगस्त तक। अब देखिए, आप लोग के पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होंगी आपको करने के लिए, आपका मन भ्रमित हो रहा होगा।
तो देख लीजिए, हम किसी को रोक टोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो ठीक लगे वो आप वो कर सकते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम कब तक वेट कर सकते हैं वो डेट भी हम आपको बता रहे हैं। सर फॉर्म आएगा कि नहीं? आना तो चाहिए वैसे, मेरा 237 नंबर इतना बन रहा है, वाराणसी डायरेक्ट मिल जाएगा क्या? चलिए वेट करना है, 235 प्लस हमने मेरिट आपको बता रखी है। बच्चे को काफ़ी हंसी आ रही है, तुम सिर्फ ब्रेकिंग लाते हो, चलिए ठीक है, ब्रेकिंग न्यूज ना। सर डीलेट एडमिशन फॉर्म कब आएगा? वेट करना है अभी, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन कब होगा? क्या अभी करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जब तक पीएनपी के तरफ से विज्ञापन जारी नहीं होता एडमिशन के लिए, और काउंसलिंग के बाद, देखिए जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है वो आफ्टर काउंसलिंग होता है, अगर सीटें खाली बचेंगी तभी डायरेक्ट एडमिशन होता भी है, ठीक है। बंद कर दो वीडियोस बनाना, इस ईयर जीरो रहेगा, 2020 की तरह मत बनाओ वीडियो। अब कुछ बच्चों को लग रहा है, देखिए आपको बता दें 2016 में भी एडमिशन नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ, अब 2024, ये चार वाला जो मैटर फंस रहा ना, इसकी वजह से बच्चे कन्फ्यूजन में। अगली बार 2028 में क्या हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे? इस बार फॉर्म आने की संभावना है कि नहीं? अभी तक तो है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। डीएलएड का एग्जाम फॉर्म कॉलेज वालों ने गलत भर दिया, उर्दू लेना था संस्कृत कर दिया, सोल्यूशन बताओ प्लीज। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको एक बात बता रखी है, इसीलिए हर बात आपको बताते हैं कि कभी गलती आपसे ना हो। अब देखिए कॉलेज ने इनके जगह उनको उर्दू लेना था सब्जेक्ट, देखिए आपको बता दें उर्दू वाला मैटर कहाँ से आता है। देखिए जब आप लोग प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, जब आप लोग का एडमिशन होगा ना अभी कुछ दिन में, तो आप लोग प्रथम सेमेस्टर में कौन कौन से विषय पढ़ने पड़ेंगे जरा देखते हैं। बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर। अब देखिए दोस्तों, या तो आप संस्कृत लेंगे, ठीक है, या तो आप लेंगे उर्दू, एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं दोनों ने, तो यहाँ पर आपके सामने है। तो बच्चों को लेना था यहाँ पर उर्दू, लेकिन कॉलेज वालों ने गलती से क्या कर दिया, संस्कृत, ठीक है। तो अब ये कॉलेज वाले ही बदलाव कर सकते हैं, या एग्जामिनेशन फॉर्म की जो विंडो है वो रीओपन हो। अगला सवाल देखते हैं। सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरा कुल 210% बनना है, क्या मेरा हो जाएगा? आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, इतने नंबर बनने हैं, ईडब्ल्यूएस बनवाओ कि नहीं? देखिए आपको तो कॉलेज प्राइवेट ही मिलना है, बाकी आप देख लीजिएगा। फॉर्म कब आएगा सर यूपी डीएलएड का? वेट करना है, सब्र कर लीजिए, अगस्त में देखते हैं। सर 228 नंबर बनना है, डायरेक्ट मिल जाएगा? ठीक है, 50-50 वाला चांस है। देखिए जब तक आप 235 के प्लस ऊपर नहीं जाते तब तक यही वाला रहेगा। अगला सवाल देखिए, सर कब तक यूपी डीलेट का फॉर्म आ जाएगा? आई गेन 236 इतने नंबर, आफ्टर रेडिंग हाई स्कूल ये 12वीं का। इज देयर एनी चांस टू गेट गवर्नमेंट कॉलेज विथ जनरल कैटेगरी? ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट बन जाए तो बेहतर है, जनरल में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सरकारी रिजल्ट पर शो नहीं हो रहा, अभी वेट कर लीजिए। बाकी dlredresult.com वेबसाइट आप लोग याद कर लीजिएगा, dlredresult.com, इस वेबसाइट पर सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। सर डीएलएड में एडमिशन कब से शुरू होगा, फॉर्म कब आएगा प्लीज इन्फॉर्म? हाई स्कूल इंटर में इतने इतने नंबर है, ठीक है वेट कर लीजिए। थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म मेरा भी भरा नहीं कॉलेज वालों ने, क्या वेबसाइट दोबारा खुलता है? नहीं, कभी कभी दोस्तों वेबसाइट दोबारा खुलती है, नहीं तो कभी कभी नहीं खुलती। अब देखिए इसीलिए हम कहते हैं ना, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप वीडियो बार बार क्यों बनाते हैं, आप लोग को जानकारी ज़्यादा होगी। देख लीजिए इतने दिन से हम आपको बता रहे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म की रोज अपडेट देते थे उस समय, तो कॉलेज से संपर्क करके आपको भरवा लेना चाहिए था, आपने गलती की। 200 नंबर ओबीसी प्राइवेट कॉलेज, बुक कौन सी लेना है सर? चलिए हमने वीडियो बना रखा, पूरी सीरीज हम आपको दे देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। सर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरा इतने नंबर है, ठीक है प्राइवेट ही कॉलेज। सर प्लीज़ 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 इतने देर बाद बताओ नंबर किस तरह काउंट करें प्लीज़, हम भी बताओ सर। देखिए आप लोग पहले अपना हाई स्कूल का परसेंटेज देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 12वीं का परसेंटेज मान लीजिए हाई स्कूल में आपका 80% है, 12वीं में 75 है, और ग्रेजुएशन जैसे आपका होता है ना 3 साल का कोर्स है, या तो आपका ईयरली पेपर होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या तो आपका सेमेस्टर वाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल सेमेस्टर वाला देख लीजिएगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा ना वहाँ पर आपको नंबर मिला होगा, टोटल नंबर जोड़ के उसी से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन में 60 है तो इन तीनों परसेंटेज को जोड़ देंगे, वही हो गया आपका। फॉर्म आ जाने दो, तब पहले इन्फॉर्मेशन दे देना, जब फॉर्म ही नहीं आया तो एक ही बात रोज रोज सुनाता है भाई। देखिए वही बात बता रहे ना, आप लोगों को कुछ बातें बुरी लग जाती हैं, आगे चलकर आपके साथ कभी कोई गलती हो गई ना, दिक्कत हुई ना, तब आप जानेंगे कि एक ही बात जानना क्यों जरूरी होता है। कम से कम आप एक लाइन में इतना ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे, कल को आपके कॉलेज वाले आपको उल्लू नहीं बना पाएंगे। आप लोग कॉलेज में जाएंगे सीधे पूछेंगे सर नॉट अटेंडिंग का पैसा तो नहीं लगता,
क्लास ना करें, एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस कितनी देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल फीस कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है, रोज क्लास करना पड़ेगा कि नहीं, बहुत बातें आप लोग जानेंगे। सवाल आप तभी करेंगे ना जब आपको उसका सवाल तो पता हो। सर मैं एसएससी से आती हूँ, मेरा टोटल 230, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। सर हाई स्कूल में 75, 76 इतने इतने हैं, ठीक है चांस बनेगा लेकिन मुश्किल है थोड़ा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बच्चे का सवाल था, सर 12th सेमेस्टर की एग्जाम सेंटर कब तक आएगा, बस आने वाला, तैयार रहिए, इस बार फॉर्म नहीं आएगा तो, अब नहीं आता तो कोई कुछ कर तो देखे नहीं सकता है, फिर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना पड़ेगा अगर नहीं आता। सर मेरा बीएम इतने नंबर है, एडमिशन हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई कॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी में एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है तो उसके मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में, आरक्षित वर्ग में 45। सर फॉर्म आ गया कि नहीं, ठीक है क्लियर करके बता दीजिए, ऐसा ना हो कि आए और इस साल बर्बाद हो जाए। देखिए अभी तक फॉर्म तो नहीं आया, वेट करना पड़ेगा, आएगा तो हम आपको बताएंगे। सर एमए और बीटीसी दोनों एक साथ कर सकते हैं, देखिए एक प्राइवेट कर लीजिएगा एक रेगुलर कर लीजिएगा तो हो जाएगा, दोनों रेगुलर नहीं होने चाहिए। अब देख लीजिए दोस्त एक और बात हमने आपको बताया कि जब बड़ी संख्या में बच्चे, देखिए बेसिक शिक्षक भर्ती में मानक और योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा, पूर्व में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने वाले कई शिक्षकों को विभाग ने बर्खास्त भी किया है। राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए मानक तय हैं, यदि कोई गलत दस्तावेज का उपयोग करने का दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एनसीटी से मान्य डीएलएड और स्थायी निवासी पात्र, देख लीजिए क्या लिखा है, ये सब बातें इसीलिए कहते हैं आप लोग जब डीएलएड में एडमिशन लीजिए कहाँ पर लेना कैसे लेना वो सब बातें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए हमारा 8738079216, ठीक है 8738079216, ठीक है नंबर ध्यान रखिएगा। डीएलएड करके आप 1 to 5, 6 to 8 के टीचर बनेंगे, बीएड करके 6 से 8 और 9 से 10, 9 से 10 में टीजीटी के माध्यम से वैकेंसी आती है। कट ऑफ दोस्तों हमने आपको बता रखा है, आरक्षित वर्ग में 225 प्लस मिनिमम, जनरल में 230 प्लस मिनिमम, अदर स्टेट को मौका मिलने के चांसेस हैं, आवेदन में सुधार का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या रहेगी वो देखते हैं, ये आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, रैंक 1 से लेकर 20,000 तक सबसे पहले मौका मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे करके सबको मिलता है। अलॉटमेंट लेटर ये 10,000 पे पेमेंट करने के बाद डाउनलोड होगा, आवेदन पत्र का प्रिंटआउट जब आप लोग फॉर्म भरेंगे ना उसका आप पीडीएफ रखते हैं, ये जरूर चाहिए होगा क्योंकि आपने हाई स्कूल में क्या नंबर डाला है, ठीक है 12वीं में क्या डाला, ग्रेजुएशन क्या डाला, कॉलेज वाले वही से तो मिलान करेंगे ना, फिर वही हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट, इंटर का रिजल्ट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, निवास, जाति, ईडब्ल्यूएस, ये सब बातें, ठीक है शपथ पत्र ये सब। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।